राहुल गांधी की यात्रा हरियाणा में आते ही डर गई बीजेपी सरकार। राहुल गांधी की यात्रा रोकने के लिए सरकार ने कांग्रेस को लिखी चिट्ठी। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा बंद करो भारत जोड़ो यात्रा, इससे फैल सकता है कोरोना। कांग्रेस ने भी दिया जवाब, बोले यात्रा को मिल रहा समर्थन हजम नहीं हो रहा, अपनी यात्राओं पर भी लगाओ रोक। भारत जोड़ो यात्रा जैसे ही हरियाणा में पहुंची और उसका जिस प्रकार से भव्य स्वागत हुआ, शायद उससे भाजपा की केंद्र सरकार और राज्य सरकार डर गई। भारत जोड़ो यात्रा के हरियाणा में प्रवेश करते ही जिस प्रकार से लाखों लोग सड़कों पर दिखाई दिए, उसके बाद बीजेपी सरकार को टेंशन हो गई। शायद सरकार को लगने लगा कि अब ये यात्रा उनका तख्ता पलट ना कर दे। ऐसे में कोरोना का हवाला देते हुए देश के स्वास्थ्य मंत्री ने कांग्रेस को पत्र लिखकर ये यात्रा को रोकने की अपील की है। स्वास्थ्य मंत्री की इस अपील के बाद कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने जवाब दिया और कहा कि ये डर कोरोना का नहीं, राहुल गांधी की यात्रा का है जिसमें जनसैलाब बढ़ रहा है। माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने, जैसा कि जयराम रमेश जी ने बताया कि एक भाजपा सांसद राजस्थान से है बीपी चौधरी, उनके पत्र का हवाला देते हुए राहुल गांधी जी को यह पत्र प्रेषित किया। हम ये जानना चाहते हैं क्या इसी तरह का पत्र भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान के अध्यक्ष सतीश पुनिया को भी भेजा है जो जन आक्रोश यात्रा निकाल रहे हैं। मानता हूं उस जन आक्रोश यात्रा में भीड़ नहीं आ रही, मानता हूं भारत जोड़ो यात्रा में भीड़ बहुत आ रही है। क्या इस तरह का पत्र कर्नाटक की भाजपा को भी भेजा गया है जो एक और यात्रा निकाल रहे हैं, उसमें भी भीड़ नहीं आ रही है? मैं मानता हूं, स्वीकार करता हूं कि भारत जोड़ो यात्रा में उत्साह है और भीड़ ज्यादा आ रही है। आज अभी यहां से आप हवाई अड्डे जाइए, हवाई जहाज में बैठिए, ना आपको मास्क लगाने को कहा जाएगा, ना कोई सैनिटाइजर दिया जाएगा, खत्म। क्या भारत सरकार ने नियमों का की कोई घोषणा की है, कोई प्रोटोकॉल की घोषणा की है? क्या संसद का सत्र स्थगित कर दिया गया है, फिजिकल जो चल रहा है कि वो भी ऑनलाइन होगा? तो भारत सरकार को सिर्फ राहुल गांधी दिख रहे हैं, भारत सरकार को सिर्फ कांग्रेस पार्टी दिख रही है, भारत सरकार को सिर्फ भारत जोड़ो यात्रा दिख रही है और कोई यात्रा नहीं दिख रही, और कोई भीड़ जहां हो रही है वो नहीं दिख रहा। हम नियमों का पालन करेंगे, बशर्ते आप नियमों की घोषणा करें, और वो नियम सबके लिए लागू होने चाहिए, सिर्फ राहुल गांधी के लिए नहीं, सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं, सिर्फ भारत जोड़ो यात्रा के लिए नहीं। पवन खेड़ा ही नहीं, कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता भी कह रहे हैं कि जब किसान आंदोलन सरकार की पहुंच से बाहर हुआ था तब भी कोरोना का डर दिखाया गया था, और अब राहुल गांधी की यात्राओं में जो भीड़ उमड़ रही है उससे भी सरकार डर गई है। यही वजह है कि इस प्रकार के ओछे हथकंडे सरकार अपना रही है। बहरहाल आपका भाजपा सरकार की अपील और कांग्रेस के जवाब पर क्या कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। पॉलिटिकल डेस्क, सत्य खबर, सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।